हर हर महादेव, जय श्री राम। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आप सभी का वेलकम है हमारे वीडियो में। दोस्तों आशा करती हूँ आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आई होंगी। दोस्तों एक ऐसा उपाय लेकर आई हूँ, बहुत ही अच्छा उपाय लेकर आई हूँ। आज तक यूट्यूब में किसी ने भी इतना अच्छा उपाय नहीं बताया होगा। दोस्तों एक छोटा सा उपाय कर लेंगे, चार दाने चावल के, ठीक है, चावल के चार दाने से करे प्रचंड वशीकरण, केवल 7 दिन के अंदर दिखेगा आपको असर। 7 दिन के अंदर छोटा सा उपाय कर लेंगे, चार दाने चावल के, ठीक है, चावल से करे वशीकरण, जो बात नहीं करता वह खुद मनाएगा आपको, आके 7 घंटे में होगा पूरा वशीकरण, आपके बस में हो जाएगा। बस आपको मित्रों छोटा सा एक उपाय कर लेना है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा उपाय कुछ भी नहीं करना, बस छोटा सा उपाय करना है, चार दाने चावल से। आपको कोई, जैसे आपकी वाइफ रूठ गई, या आपका हस्बैंड रूठ गया, या आपका कोई रिश्तेदार रूठ गया, या आपका कोई भाई नाराज हो गया, कोई आपसे, आप उसे बहुत ज़्यादा मानते हैं, वो आपसे रूठ गया है, बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा आपसे, आप उसे बात फोन कर करके मना मना के थक हार चुके हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, तो इसके लिए बस ये छोटा सा उपाय आप कर लेंगे तो वो आपके कदमों में आके गिरेगा, आपसे मिलने के लिए तड़पेगा, आपके आपसे बिना बात किए हुए वो रह नहीं पाएगा। बस आपको छोटा सा एक उपाय कर लेना, ये उपाय करके देखना, इतना शक्तिशाली, ये इतना शक्तिशाली टोटका जिसे हम कहते हैं 100% गारंटी के साथ बोल सकती हैं, आप बहुत से भाइयों को लाभ मिल, आपको भी लाभ देगा। बस ये छोटा सा उपाय कर लेना है और ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, सिर्फ चार दाने, कोई पैसा भी नहीं लगेगा, कोई भी खर्च नहीं होगा, सिर्फ चार दाने चावल से वशीकरण करना है, चार दाने चावल से करें वशीकरण, छोटा सा उपाय। चलिए ज़्यादा समय ना गंवाते हो, बताना स्टार्ट करते हैं मित्रों। आपको क्या करना है, चार दाने चावल के ले लेना है, ठीक है, चार दाने चावल के ले लेना है, कोई सा भी दिन हो, ठीक है, दिन से मतलब कुछ नहीं है। आपको सुबह के समय स्नान कर लेना है, ठीक है, उठने के बाद खाना पीना कुछ नहीं, सबसे पहले आपको स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद आपको क्या करना है, चार दाने चावल के एक कटोरी में रख लेना है, जमीन उठा के लाया, टूटे फूटे चावल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, चावल देख लेना टूटे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल अच्छे चावल होना चाहिए, बड़े बढ़िया, ठीक है, छांट के चार दाने चावल के निकाल लेना, एक कटोरी में रखना। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ये जो है बायां वाला हाथ है, ये दाहिना है, ये बायां हाथ, ठीक है, बायां हाथ दाहिना, ठीक, दाहिने हाथ में आपको क्या करना है, वो चार दाने चावल के ऐसे ऐसे मुट्ठी कर लिया, बंद कर लिया, उसके बाद उसका उसको ऐसे बंद है मुट्ठी चार दाने चावल की, आपको उस ऐसे रखना है, हाथ ऐसे रखना है, ठीक है, और उस व्यक्ति को याद करना है जिस जिसको आप मानते हैं, जिसके ऊपर वशीकरण कर रहे हैं, उसके उसको याद करते हुए आंखें बंद कर लेना, उसको पूरी तरीके से बंद रखना मुट्ठी, उसके बाद उसको पूरी तरीके से याद कर लेना है, याद करना है, याद करने के बाद याद मुट्ठी बंद किए कि ऐसे हाथ करे करे हुए आपको एक छोटा सा मंत्र बोलना है, वो मंत्र बोलते ही आपके 7 घंटे के अंदर आपके कदमों में आ गिरेगा, गारंटी के साथ बात करती हूँ। वो आपको एक मंत्र, क्या मंत्र बोलना है आपको मित्रों, ओम श्री, आपको ओम त्रि त्रि हुन अमुक नाम कुरे कुरे वश, ओम त्रि त्रि हुन अमुक नाम कुरे कुरे वश, ये मंत्र आपको 3 बार इसका जाप करना है, इस मंत्र का जाप आपको 3 बार कर लेना है। हाँ, और ये की ध्यान रखना, इस चावल का जो आप उपाय कर रहे हैं ऐसे, उसके बाद आपको ये वाला हाथ हटा लेना है, ये वाला हाथ हटाने के बाद आपको ऐसे मुट्ठी बंद रखना, खोलना नहीं, आपको क्या करना, फिर ये मुट्ठी बंद किए किए आप बैठे हैं, बैठ के कर रहे हैं, खड़े हो जाना है, खड़े होने के बाद आपको बाहर, घर के बाहर निकल जाना है, घर के बाहर निकल जाना है, और वहाँ पे एक दाना धीरे से चावल ऐसे धीरे से एक दाना छोड़ा नीचे, फिर दूसरा दाना, फिर तीसरा, फिर चौथा दाना, चारों दाना बारी बारी से चावल के गिरा देना है, और गिराते वक्त यही वाला मंत्र, इसी मंत्र का जाप फिर से करना है 3 बार, वहाँ गिराते वक्त भी इस मंत्र का जाप आपको करना है, ओम त्रि त्रि हुन अमुक नाम कुरे कुरे वश,
किस मंत्र का जाप आपको फिर वहाँ पे 3 बार कर लेना है, और गिराने के बाद आपको वहाँ वो बोल देना है, ये मंत्र बोलना है, उसके बाद उस व्यक्ति का नाम लेके बोलना है कि ये मेरे बस में आ जाए, मेरे हमसे बातचीत करने लगे, बस वो आपके कदमों में आके गिरेगा 7 घंटे के अंदर, 7 घंटे के अंदर वो आपके कदमों में आके गिरेगा। और हाँ, उसको चावल को गिराने के बाद आपको घर के बाहर पहले से ही आपको पानी एक लोटा रख लेना है, एक लोटा पानी, तो वो गिराने के बाद आपको अपने पैर हाथ धुल के उसके बाद घर के अंदर आ जाना, उसके बाद 7 दिन के अंदर देखना पूरा लाभ आपको दोस्तों मिलेगा। दोस्तों आशा करती हूँ हमारी वीडियोस आप लोगों को बहुत पसंद आ रही है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ दोस्तों अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जानकारियों की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों हर हर महादेव, जय श्री राम।